एक्सपीरेंट्स आई एम अनुराधा एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अरेनियस इक्वेशन ठीक है ये वाला पार्ट मतलब बच्चों को बहुत डर आता है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं ठीक है तो मैं आपको इजी वे में बताऊंगी, देखिए अरेनियस इक्वेशन है क्या ये बताता हैं आपको रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर मतलब रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर में आ, क्या रिलेशन है ये हम पता करते हैं कैसे अरेनियस इक्वेशन से अब देखिए मैं इसके उसमें नहीं जाऊँगी कि कहाँ से आया कैसे डिराई हुआ बस आप ये सिंपली याद रखेंगे रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी ठीक है अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे के क्या है के इज रेट कॉन्स्टेंट ए इज वॉट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरहिनीस फैक्टर ठीक है इसको बोलते हैं ये आपको क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं आ, मतलब डेटा डे के और पूछेंगे कि बताइए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालिए या फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालिए या अरहिनीस फैक्टर निकालिए तीनों का मतलब क्या है कि आपको ए पूछा था ओके और ये क्या होता है ये फिक्स्ड होता है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट टेम्परेचर और कैटालिस्ट पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है ये एक फिक्स फिक्स्ड क्वांटिटी है ओके okay? और ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ये तो आप पहले से भी पता होगा अब आगे देखें ये आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ठीक है जैसे देखिए जूल पर कैलविन पर मोल दिस इज द एसआई यूनिट तो इसकी वैल्यू क्या होती है एट पॉइंट थ्री वन फोर या ट्वेंटी फाइव बाई थ्री ये तो बहुतों को याद होता है ये याद नहीं होता ठीक है तो ये आप याद रखेंगे ट्वेंटी फाइव बाई थ्री कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है जूल पर कैलविन पर मोल अगर कैलरी में पूछे मतलब यूनिट कन्वर्जन में पूछते हैं ना कि आप कैलरी में बताइए तो टू कैलरी पर कैलविन पर मोल ओके अब ये क्या है टी क्या है टी है टेम्परेचर जो कि हम कैलविन में पुट करेंगे ओके अब आगे देखें आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटालिस्ट सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ कैस रेट ऑफ़ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा ठीक है मतलब सॉरी सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ेगा ये देखते हैं ठीक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ई अपोन आर टी कम होगा ना जैसे देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो डी नोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो ये जो है टर्म ई ई अपन आर टी वो कम होगा और आगे माइनस लगाया तो माइनस ई अपोन आर टी बढ़ेगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कॉन्सटेंट बढ़ेगा उसके बाद देखिए अगर टेम्परेचर इन करते हैं तो जो रेट uh, कांस्टेंट है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर हो जाता है नॉलेज के लिए है उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर के बाई ए देखिए ए को इधर लेगा तो के बाई ए इज़ वॉट क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी इसको क्या बोलते हैं बोल्समैन फैक्टर ओके इसको बोलते हैं बोल्समैन फैक्टर और ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या है एन ए अपन एन टी अब ये क्या चीज़ है एन एक्टिव अपन एन टोटल ठीक है इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ई थ्रेश होल्ड मतलब ये फ्रैक्शन है मॉलिकूल्स का जिनकी एनर्जी जो है ई थ्रेश होल्ड के बराबर है ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिकल्स ये मॉलिकल्स एक्टिव हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे ठीक है इसको ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगी अब आगे देखिए के इज़ इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ई ए आर टी ठीक है तो अब दोनों साइड एल एन लेंगे जैसे हमने पहले भी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के केस में डिराइव करा था वैसे ही एल एन के इज़ इक्ल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी ठीक है e समझ गए ये तो आपको पता ही होगा कि एल एन ई का वो जो होता है ना वैल्यू वन होती है ओके तो एल एन को लॉग में लाना है लॉग बेस्ट टेन में ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए तो हम क्या करते थे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से सिंपली मल्टीप्लाई करते थे तो वही हो जाएगा यहाँ पे देखिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी ओके फर्दर हम देखते हैं जैसे देखिए तो लॉग के यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री को कॉमन लेके हमने डी नोमिनेटर में ला दिया ठीक है अब इससे ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप ध्यान रखेंगे लॉग के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ ठीक है वन बाई टी का ग्राफ तो लॉग के इज़ ऑन वाई एक्सिस ठीक है लॉग के वाई एक्सिस पे वन बाई टी क्या है एक्स है ठीक है लिखा मैंने और ये क्या है इंटरसेप्ट है दैट मतलब दिस विल बी लॉग ए इंटरसेप्ट और माइनस थ्री माइनस ई अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर ये क्या होगा स्लोप के बराबर होगा ठीक है इस फॉर्म में इक्वेशन आ रही है ना हमारी वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स डैट इज़ माइनस एम एक्स प्लस सी ठीक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट भी है तो ऐसे ग्राफ बनेगा ये तो समझ गए होंगे आप अब आगे देखिए और आगे क्या इसमें समझते हैं रेट कॉन्स्टेंट है टू डिफरेंट टेम्परेचर मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट का रिलेशन क्या होता है मान लेते हैं टी वन पे के वन है रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर टी टू पर क्या है के टू तो पता है ये ये कैसे निकलेगा एक बार आप आ, इस ये वाला जो इक्वेशन है एक बार इसमें आप टी टू पुट करें एक बार इसमें टी वन पुट करें उसके बाद डिफरेंस निकालें तो मैंने सीधा लिख दिया तो क्या होता है लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ये अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू ये आपको मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए ये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन उसके बाद देखिए अरहेनियस इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म वो तो इंटीग्रेट करके निकाला था तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं डी एल एन के अपन डी टी इज इक्वल टू ई ए अपन आर टी स्क्वायर ठीक है तो ये थ्योरी थी अरहेनियस इक्वेशन की इसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है बोल्समैन मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ठीक है इसमें हम क्या करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स यहाँ होना चाहिए ठीक है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो क्या था एन अपॉन एन टी बताया था ना मैंने पहले कि एन एक्टिव अपॉन एन टोटल वर्सेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का एक कर्व बनाते हैं ठीक है तो देखिए क्या होता है इसमें पहले बनाएंगे टी डिग्री सेल्सियस पे पर ऐसा आएगा अब ऐसा ये क्यों आता है आ, मतलब ये आपको जानना जरूरी नहीं है इसके डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए मैं बताती हूँ ठीक है ये कर वैसा आता है टी डिग्री सेल्सियस पर हमने बनाया और ये जो है ना एरिया अंडर द कर्व शेडेड रीजन ये क्या है ये फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स एट टी डिग्री सेल्सियस ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं दस डिग्री सेल्सियस दस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमने बढ़ा दिया ठीक है तब ग्राफ ऐसा आता है उसके बाद ये जो रेड है ना एरिया अंडर द कर्व इसके अंदर का जो एरिया है एरिया अंडर द कर्व ये पूरा आएगा ना तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होता था मैंने पहले बताया था बोल्समैन फैक्टर दैट वॉज के बाई ए टू द पावर विच वॉज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी एन वॉज इक्वल टू एन बाई एन टी ठीक है जैसे जिस ये था ना के बाई ए इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस ई अपॉन आर टी बोल्समैन फैक्टर था ये इसी को बोलते थे फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई थ्रेश होल्ड ठीक है तो ये हो गया उसके बाद देखिए एक इंटेंसिटी लाइट वाले जो रिएक्शन होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन उसके लिए भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइट हम जितनी बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर है फिजिक्स में उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसे एच टू प्लस सी एल टू एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है एच न यू इज लाइट एनर्जी गिविंग रेस्ट टू टू एच सी एल ठीक है तो आप बस ये ध्यान रखना उसके बाद अरहेनियस इक्वेशन की थ्योरी तो हो गई अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ़ अरहेनियस इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन एल एन के एल एन के लिखा है लॉगनी है वर्सेज वन बाई टी इज माइनस टू थाउजेंड कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल ठीक है अब कैसे होगा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है जैसे देखिए मैं आपको याद दिला दूँ हम ग्राफ बनाते थे किसका लॉग के वर्सेस वन बाई टी का ग्राफ बनाते थे ऐसा ग्राफ आता था याद है आपको कुछ इसका स्लोप क्या होता था स्लोप होता होता था माइनस ई ए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर ठीक है अब हमसे पूछा क्या है कि एल एन के वर्सेज वन बाई टी का स्लोप क्या है माइनस टू थाउजेंड तो एल एन के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ बनाएंगे एल एन के वर्सेज वन बाई टी तो जैसे देखिए ये वाली जो इक्वेशन है सॉरी देख ये वाली जो इक्वेशन है एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी ठीक है तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे ये हो जाएगा वाई वन बाई टी है ना तो इसमें मान लीजिए ये वन बाई टी जो है ये है एक्स ठीक है ये हो गया हमारा वो इंटरसेप्ट और ई ए माइनस ई अपॉन आर इज विल बी स्लोप समझ गए जैसे देखिए मैंने आपको ये बताया था ना लॉग के टर्म्स में लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन माइनस ई अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी तो इसमें स्लोप क्या आता था माइनस ई अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर सीम यहाँ देखिए एल एन के फॉर्म में मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था माइनस ई अपॉन आर ठीक है सिंपली वही कर देना बस इसका स्लोप होगा माइनस ई e अपन आर हमसे पूछा क्या है स्लोप की वैल्यू दी हुई है मतलब क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता है तो माइनस ई अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस टू थाउजेंड दे दिया गया है ठीक है माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ई इज टू क्या हो जाएगा टू थाउजेंड इंटू आर अब आर हम क्या रखेंगे यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है किलो कैलरी में पूछा गया है ठीक है टू थाउजेंड इंटू टू कैलरी में रखेंगे ना यार देखिए मैंने शुरू में बताया था इस वीडियो के शुरू में कि आपको आर की यूनिट ध्यान रखनी पड़ती है ठीक है तो टू तो क्या होता था कैलरी पर केल्विन पर मोल में लिखते थे ना आर की यूनिट या टू रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा फोर थाउजेंड कैलोरी या फिर फोर किलो कैलोरी पर मोल ठीक है समझ गए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ए की वैल्यू पूछिए ठीक है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन इस इक्वेशन से पूछा कि आप ए बताइए और एक्टिवेशन एनर्जी बताइए तो देखिए ये इक्वेशन मतलब आपको देखा देखा सा लग रहा है कौन से फॉर्म में है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर ठीक है ये तो आर एन एस इक्वेशन है ओके अब देखिए अब आप इसमें देखेंगे कि इसके लॉग ए की जगह पे यहाँ इसने क्या दे रखा है सिक्स तो सीधा लिखेंगे लॉग ए इज इक्वल टू सिक्स अब आपको लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेसिक फिजिक्स एंटी तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड एंटी लॉग ए इज इक्वल टू एंटी लॉग सिक्स ठीक है तो एंटी लॉग ए इज ए एंड एंटी लॉग सिक्स इज टेन टू द पावर सिक्स मतलब एंटी लॉग कोई भी वैल्यू होती है ना तो टेन टू द पावर ऐसे कर लेते हैं ठीक है आप वो समझना वहाँ पर फिजिक्स वाले चैप्टर में तो हमने क्या निकाल लिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकाल लिया आप क्या पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी बताइए ठीक है तो हाँ देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस टू थाउजेंड ठीक है ना यही तो दे रखा है ये तो वन बाई टी है जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना लो किज इक्वल टू सिक्स माइनस टू थाउजेंड इंटू वन बाई टी है ना इसको स्प्लिट कर दिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी दी हुई है यहाँ से आप कंपेयर करेंगे ठीक है तो इसकी वैल्यू दी हुई है अब हमसे पूछा क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए अब यहाँ पर देखो यूनिट मैंशन नहीं कर रखा है कि कौन से यूनिट में बताइए ठीक है थीके? तो बस यहाँ से ये माइनस माइनस गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी टू थाउजेंड इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अब देखिए मैं यहाँ कैलरी में निकाल देती हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी कैलरी में क्या रखते हैं आर की वैल्यू टू तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आप ये आएगा नाइन पॉइंट टू किलो कैलरी पर मोल ठीक है समझ गए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलेंगे आपको देखिए एट फाइव हंड्रेड कैलबिन पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऑफ़ टोटल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव मॉलिक्यूल ठीक है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो किलो कैलोरी मोल तो आपको कुछ क्लू ही नहीं दिख रहा है कि कैसे करेंगे इतना छोटा सा क्वेश्चन है और और एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है ये ठीक है छूट गया था इन किलो कैलोरी पर मोल ठीक है तो आपको क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इससे आपको पता लग रहा ना कि इतना परसेंट टोटल तो मॉलिक्यूल्स में इतने एक्टिव हैं तो क्या है ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल और आपको मैंने बताया ये देखिए ऐसा लिखते थे ये क्या होता था एन एक्टिव और ये क्या होता था एन टोटल तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एन एक्टिव इज़ पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऑफ एन टोटल ठीक है तो इससे हम क्या डिराइव करेंगे पॉइंट जीरो जीरो वन अपॉइंट हंड्रेड लिखेंगे ना न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए परसेंटेज अटा तो एन टू एन टोटल एन ए इज इक्वल टू समझ गए अब देखिए एन ए बाई एन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन ए बाई एन टी ये क्या होता था फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा टेन टू द पावर माइनस फाइव ओके अब आप याद करिए कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स या बोल्ट्समैन फैक्टर क्या होता था माइ ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी ठीक है मैंने बताया ना थ्योरी वाली पोर्शन में तो ये इसकी वैल्यू कितनी है टेन टू द पावर माइनस फाइव फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपको बस कैलकुलेशन करनी है पूछा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी बताइए तो देखिए ई e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू वॉट टेन टू द पावर माइनस फाइव दोनों साइड एल एन ले लेते ले ले हैं मैं डिराइव कर देती हूँ फिर से वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं इज़ इक्वल टू ठीक है एल एन टू द पावर एल एन टेन टू द पावर माइनस फाइव तो देखिए क्या हो जाएगा एल एन ई की पावर वन हो जाएगा ना माइनस ई अपॉन आर टी इज इक्वल टू एल एन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टेन टू द पावर माइनस फाइव ठीक है उसके बाद देखिए माइनस ई ए अपॉन आर क्या पूछा हमसे किलो कैलोरी पर मोल में बताइए तो आर की वैल्यू कैलोरी में क्या रखेंगे टू और टेम्परेचर हमें दे रखा है ना यहाँ पे देखिए फाइव हंड्रेड कैलविन कैलविन में ही रखना होता था फाइव हंड्रेड इज़ इक्वल टू ई क्या आ जाएगा अब इसको सॉल्व करिए ठीक है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टेन टू द पावर माइनस फाइव इज़ माइनस फाइव लॉग टेन लिखते थे ना अब देखिए कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं कर रही हूँ इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे ना ये माइनस माइनस गया अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा एलेवन पॉइंट फाइव किलो कैलरी क्योंकि देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा लॉक टेन वन हो जाएगा फिर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये क्या आ जाएगा इलेवन पॉइंट फाइव किलो कैलोरी ठीक है कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना ठीक है तो समझ गए ये क्वेश्चन अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट बिकम्स टेन टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस टू वन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो टेम्परेचर पे दे देता है तो कैसे कौन सी इक्वेशन लगाते हैं ठीक है तो ये वाली इक्वेशन थी हमारी ये वाली लगाते थे लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू ठीक बस इसे से सॉल्व हो जाएगा पूछा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ये पूछा है तो लॉग के टू बाई के वन के टू क्या है यहाँ पे देखिए रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जा रहा है टेन टाइम्स हो रहा है तो के टू इज़ टेन टाइम्स ऑफ के वन तो लॉग टेन के वन अपॉन के वन इज इक्वल टू ये अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर अब देखिए टी वन इसको कैसे पुट करते थे कैलविन में तो इस पर क्या आप ऐड करेंगे टू सेवेंटी थ्री ऐड करेंगे तभी तो आएगा कैलविन में तो टू सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन इज थ्री हंड्रेड और वैसे ही इसको भी कैलविन में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा फोर हंड्रेड ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन करती है करनी है ठीक है अब देखिए करी देती हूँ मैं तो ये यहाँ से क्या जाएगा लॉग टेन ये तो गया इज़ इक्वल टू ये अपॉन टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आर ठीक है एल ले लेंगे सिंपल सी बात है ये कितना आएगा फोर माइनस थ्री ओके लॉक टेन क्या होता है वन तो ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू वन अपॉन ट्वेल्व हंड्रेड यही है ना अब ई ये क्या आ जाएगा हमारे पास टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू ट्वेल्व हंड्रेड अब आपको देखना है कि आर की वैल्यू क्या रखें पूछा किसमें है किलो जुल में तो हमें क्या रखना पड़ेगा जुल जूल पर कैलविन पर मोल में इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी आर की तो वो क्या होता था एट पॉइंट थ्री वन फोर या फिर ट्वेंटी फाइव बाई थ्री शुरुआत में मैंने बताया है। वीडियो के शुरुआत में तो हम यहाँ रखते हैं ट्वेंटी फाइव बाई थ्री इंटू ट्वेल्व हंड्रेड ये किस में आएगा जूल में आएगा ठीक है तो ये गया तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा ये ट्वेंटी थ्री देखिए टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री इंटू कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ना? तो आ, देखें देखें, 23. 23 है ना तो टू पॉइंट थ्री ये देखिए फिर देखिए ट्वेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री इंटू थाउजेंड कर सकते हैं ना इसको है ना ये जूल आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉरी ये इज एकल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट ज़ीरो थ्री किलो जूल दैट विल भी आवर आंसर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स वो ख़त्म होता है आप सारी वीडियोस देख लें सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल आगाज़ केमिकल काइनेटिक्स बाई अनुराधा नाम की एक प्ले है उसमें आप सारे वीडियोज़ देख लें इसके नोट्स में अपने टेलीग्राम जो चैनल है ना उसको आप ज्वाइन करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे पी के फॉर्म में और कमेंट करें अपनी क्वेरीज ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग